तो नमस्कार छात्रों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न क्लब में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं विज्ञान, ठीक है, विज्ञान की NCERT में अध्याय 1 फॉर MP बोर्ड NCERT ऑल बोर्ड्स, है ना, अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ के पार्ट के दोस्तों हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। हम दोस्तों इन्हें अच्छे समझेंगे, आपको दोस्तों समझते हुए चलना है ताकि दोस्तों आप भूल ना पाओ और आपको तुरंत याद कर लेना है। दोस्तों इसके जो महत्वपूर्ण दोस्तों मैं आपको प्रश्न बताने वाला हूँ वह आपको परीक्षा में अवश्य पूछे जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, पूरे पार्ट के दोस्तों मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ। इस वीडियो में दोस्तों हम इस पार्ट को पूरा खत्म कर देंगे। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर कुछ तापमान दिख रहा है जो कि केल्विन इकाई में है, ठीक है। तापमान की दोस्तों निम्न इकाई होती है, ठीक है, केल्विन होती है, सेल्सियस होती है ना दोस्तों। तो दोस्तों जो हमें तापमान दिख रहा है वह अभी केल्विन इकाई में है, हमें इन्हें सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना है। चलिए दोस्तों हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों उत्तर लिखा हमने, ठीक है, ए ए नंबर का दोस्तों हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। हम किसमें बदलना है दोस्तों, सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना है। तो दोस्तों सेल्सियस तापक्रम पर तापमान बराबर से, तो दोस्तों सेल्सियस तापक्रम पर दोस्तों बदलने के दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है, के में से 273 को घटाना पड़ता है ना, के में के मान में से 273 को जब हम घटाएंगे तो दोस्तों हमें जो तापमान प्राप्त होगा वह सेंटीग्रेड वाला तापमान प्राप्त होगा। तो देखिए दोस्तों के माइनस 273, तो देखिए दोस्तों के का मान कितना है दोस्तों 300 है, तो दोस्तों 300 के रख दिए माइनस 273, तो दोस्तों हम घटा देंगे 300 में से 273 को। तो देखिए दोस्तों ठीक है, जीरो दोस्तों जीरो में से 3 तो नहीं आता है, तो दोस्तों हम एक उधार ले लेंगे। तो दोस्तों क्या होगा, 10, 10 में से 3 का कितना बचा दोस्तों 7 बचा, यहाँ पर बचा दोस्तों 9, ठीक है, एक तो उसने ले लिया, तो दोस्तों 9 में से 7 गए तो दोस्तों कितना बचा 2 बचा, यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 2 गए 0 बचा, दोस्तों कितना आंसर आ गया दोस्तों इसका 27 अंश सेंटीग्रेड इसका आंसर आ गया। अब दोस्तों हम बी वाला सोल्व करते हैं। बी देखिए दोस्तों क्या है, 573 केल्विन, हमें इसे सेंटीग्रेड में बदलना है। तो देखिए दोस्तों सेंटीग्रेड बराबर से क्या करेंगे दोस्तों, हम के में से 273 घटा देंगे, है ना, केल्विन को सेल्सियस बदलने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, के माइनस 273। तो देखिए दोस्तों के का मान कितना है दोस्तों 573 केल्विन है, इसमें से हम घटा देंगे दोस्तों 273। तो देखिए यहाँ पर 3 में से 3 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 5 में से 2 गया 3, तो दोस्तों कितना आंसर आ गया 300 अंश सेंटीग्रेड। अब सी वाला हम देख लेते हैं, सी में कितना है दोस्तों 425 केल्विन, हमें इसे सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना है। तो देखिए दोस्तों सी अंश बराबर से क्या होता है दोस्तों फॉर्मूला, के माइनस 273, के का मान कितना है दोस्तों 425 केल्विन माइनस 273, घटा देंगे 5 में से 3 गया 2, 2 में से 7 नहीं जाता है, एक हम इससे उधार ले लेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 12, 12 में से 7 गया 5, आपको दोस्तों आती होगा दोस्तों जोड़ना घटाना, तो अभी तक तो सीख गए होंगे आप, है ना। फिर दोस्तों ठीक है, यहाँ पर कितना बचा दोस्तों 3 बचा, 3 में से 2 गए 1, तो दोस्तों कितना आंसर आ गया 152 अंश सेंटीग्रेड। डी नंबर वाला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कितना है दोस्तों 524 केल्विन है, इसे हम बदलेंगे दोस्तों सेल्सियस इकाई में। तो देखिए दोस्तों क्या आएगा, सी सेंटीग्रेड बराबर से के में 273 को घटा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या होता है दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है सेल्सियस इकाई में बदलने का। तो बराबर से के का मान कितना है 524 केल्विन माइनस 273, तो 4 में से 3 गया 1, 2 में से 7 नहीं जाता है, एक उधार ले लेंगे, कितना हो गया 12, 12 में 7 गया 5, बचा यहाँ पर 4, 4 में से 2 गया, ठीक है, 4 में से 2 गया दोस्तों कितना बचता है 2 बचता है ना दोस्तों, यहाँ पर कितना आएगा, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों 2 आएगा। तो दोस्तों कितना आंसर आएगा 251 अंश सेंटीग्रेड, है ना दोस्तों। ई नंबर का है दोस्तों, कितना दिया है हमें 866 केल्विन। दोस्तों मैंने आपको कई सारे उदाहरणों के माध्यम से समझा रहा हूँ ताकि दोस्तों आपको एकदम अच्छे समझ में आ सके और आपको एकदम रट जाए, इसे आप बिना देखे लिख सके हो। तो दोस्तों ई में है, हम निकालेंगे दोस्तों सेल्सियस इकाई में। तो देखिए दोस्तों सेल्सियस इकाई बराबर से के में से 273 को हम घटा देंगे, तो के का मान है दोस्तों, के का मान कितना दिया है दोस्तों हमें 275 केल्विन माइनस 273, 275 में से 273 गया तो दोस्तों कितना बचता है 2 अंश सेंटीग्रेड बचेगा। एफ में दोस्तों हमें दिया गया है 866 केल्विन, इसे हम बदलेंगे सेल्सियस इकाई में। तो देखिए दोस्तों सी अंश बराबर से जो आएगा दोस्तों के माइनस 273,
केल्विन का मान है दोस्तों 866 केल्विन, में से घटाएंगे हम 273, 6 में से 3 गया 3, 6 में से 7 नहीं जाता है, एक उधार ले लेंगे, 16 में से 7 गया कितना बचा 9, 7 बचा यहाँ पर, 7 में से 2 का कितना बचा दोस्तों 5, तो दोस्तों इसका उत्तर क्या आएगा 593 अंश सेंटीग्रेड। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमने केल्विन को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना सीखा। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे दोस्तों, हम जो आपकी सेल्सियस इकाई है हम इसे केल्विन इकाई में परिवर्तित करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको निम्न क्वेश्चन दिख रहा है ए बी सी डी ई, हमें दोस्तों इसे एक एक कर केल्विन इकाई में बदलते हैं। तो देखिए दोस्तों ए नंबर का है 25 अंश सेंटीग्रेड, इसे हमें बदलना है केल्विन में। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे दोस्तों, हम केल्विन में बदलेंगे दोस्तों, क्या करते हैं हम जो सेंटीग्रेड वाला है उसमें हम दोस्तों 273 को जोड़ देते हैं। तो दोस्तों किस में आंसर आता है, केल्विन में आंसर आ जाता है, जो सेंटीग्रेड है केल्विन में परिवर्तित हो जाता है। और इससे पहले दोस्तों हमने केल्विन को सेल्सियस से बदलने के लिए करते दोस्तों, हमने केल्विन के मान में से दोस्तों हमने 273 को घटाए थे, लेकिन यहाँ पर हम दोस्तों क्या करेंगे उसको विपरीत कर देंगे, हम केल्विन में आंसर निकालना है तो दोस्तों हम सेल्सियस वाले मान में 273 वाले को जोड़ देंगे। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, चलिए दोस्तों हम जोड़ देते हैं, 25 धन 273 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 298 केल्विन। बी नंबर का है 373 सेंटीग्रेड, 373 में जोड़ देंगे दोस्तों हम 273, तो कितना आ जाएगा दोस्तों केल्विन में आंसर 646 केल्विन। सी में है दोस्तों 100 अंश सेंटीग्रेड, इसमें जोड़ देंगे 273, तो दोस्तों कितना आंसर आ जाएगा 373 केल्विन। चौथा है दोस्तों 0 अंश सेंटीग्रेड, इसे हम बदलेंगे केल्विन में, तो दोस्तों क्या करेंगे हम 0 में 273 को जोड़ देंगे, तो दोस्तों कितना आंसर आएगा 273 केल्विन। ई नंबर का है दोस्तों 225 अंश सेंटीग्रेड, इसे हम बदलेंगे दोस्तों केल्विन में, तो क्या करेंगे दोस्तों हम 225 में 273 को जोड़ देंगे, तो दोस्तों कितना आंसर आ जाएगा 498 केल्विन। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा, चलिए दोस्तों उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम केल्विन को सेल्सियस में परिवर्तित करते हैं और कैसे हम सेल्सियस इकाई को केल्विन इकाई में परिवर्तित करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक परिभाषा पूछी गई है दोस्तों, इसमें से दोस्तों अनुमानित दोस्तों कि आपके 2 अंक का एक प्रश्न आएगा, तो दोस्तों आपको सभी छोटे मोटे प्रश्नों को याद कर लेना है, अच्छे से समझते हुए चलना है, आपको तुरंत याद कर लेना है। मैं दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, आपको समझते हुए चलना है। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हो। यहाँ पर दोस्तों हमें बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा की परिभाषा समझाना है, तो देखिए दोस्तों उत्तर लिखे हमने, हेडिंग डाले बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। देखिए दोस्तों आंसर क्या है, बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है ना, बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा होती है ना, बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है दोस्तों, ताप की एक मात्रा होती है, ताप की कई सारे मात्रा होती है उसमें से एक मात्रा बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है, जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय द्रव दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग होती है ना। क्या बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पर बोल रहा है जो 1 किलोग्राम द्रव को है ना, मान लीजिए दोस्तों ये क्या है 1 किलोग्राम द्रव है ना, लिख दिया दोस्तों हमने 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर है ना, को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक की उपस्थिति पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग होती है ना। जब दोस्तों हम 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव का क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में प्रयोग कर देते हैं, दोस्तों गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने के लिए दोस्तों जो हमारी ऊष्मा प्रयोग में ली जाती है वह क्या कहलाती है दोस्तों, बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा है ना, जब हम दोस्तों द्रव को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करते हैं तो जो दोस्तों हमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है हम उसे बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों प्रश्न चौथा भी दोस्तों कुछ इससे ही मिलता जुलता है, सनगलन की गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हो। यहाँ पर दोस्तों आपको सनगलन की गुप्त ऊष्मा की परिभाषा बताना है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हमें हेडिंग डालेंगे सनगलन की गुप्त ऊष्मा, तो देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, सनगलन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा होती है ना,
सनगलन की गुप्त ऊष्मा भी ऊर्जा की एक मात्रा होती है। क्या होती है दोस्तों? जो 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके सनगलन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग में आती है, है ना। जो क्या 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर सनगलन बिंदु पर लाने में प्रयोग में आती है, है ना। जब दोस्तों हम 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब की उपस्थिति में सनगलन बिंदु में परिवर्तित करते हैं तो जो ऊष्मा प्रयोग में लाई जाती है दोस्तों, हम उसे सनगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। हमें जो ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है हम उसे सनगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, है ना दोस्तों। और दोस्तों सनगलन अर्थात क्या होता है दोस्तों? किसी ठोस का गल जाना, किसी ठोस का गलन में परिवर्तित होना, गलना अर्थात दोस्तों द्रव्य में परिवर्तित होना धीरे धीरे करके। तो दोस्तों जो उसका प्रारंभिक संगलन बिंदु होता है उसमें दोस्तों हमें जिस ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है हम उसे सनगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हमें सनगलन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों हमारा प्रश्न 5वां जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों आपको 2019 और 20 दोनों में पूछा गया है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको वर्ष 2021 में भी पूछा जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, बाष्पन या फिर बाष्पीकरण से क्या समझते हो, है ना। आपको दोस्तों बाष्पीकरण या फिर बाष्पन का अर्थ बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप डालेंगे हेडिंग बाष्पन या फिर बाष्पीकरण, अर्थात परिभाषा क्या है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से नीचे तापमान पर स्वतः ही बाष्प में बदलने की घटना को बाष्पन या फिर बाष्पीकरण कहते हैं, है ना दोस्तों। किसी द्रव का, है ना, ये फिर दूसरे शब्दों में दोस्तों किसी द्रव का जब हम भाप में बदल देते हैं तो दोस्तों द्रव के भाप में बदलने की घटना को, भाप को दोस्तों हम बाष्प भी कह सकते हैं, बाष्प या भाप या धुआं बात एक ही है। किसी द्रव का बाष्प में बदलने की घटना को हम बाष्पन या फिर बाष्पीकरण कहते हैं, है ना दोस्तों। आपने देखा होगा कि जब हम दोस्तों जल को, ठीक है, जल को क्या करते हैं दोस्तों, हम गर्म करते हैं, इतना अधिक गर्म करते हैं कि वह भाप बढ़कर हवा में उड़ जाता है। तो दोस्तों हम इसी क्रिया को कहते दोस्तों हम कहते हैं बाष्पीकरण, है ना। द्रव का बाष्प में बदलने की क्रिया को दोस्तों हम बाष्पीकरण कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हम बाष्पन या बाष्पीकरण क्या कहते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। है दोस्तों ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए और उदाहरण भी दीजिए। हमें दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 और 20 दोनों में आया है, है ना। ऊर्ध्वपातन की दोस्तों यहाँ पर आपको परिभाषा लिखना है, परिभाषित करना है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आप दोस्तों हेडिंग डालेंगे ऊर्ध्वपातन, है ना। किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में बदलने की घटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अर्थात दोस्तों मान लीजिए दोस्तों यह क्या है, एक ठोस है। उदाहरण लेते हैं दोस्तों, हम कपूर का उदाहरण लेते हैं, है ना दोस्तों। जब हम कपूर को जब हम गर्म करते हैं, हम क्या करते हैं दोस्तों, गर्म करते हैं तो भाई क्या होता है दोस्तों, सीधे ही किसमें बदल जाता है दोस्तों, द्रव, ठीक है, गैस अवस्था में बदल जाता है ना। कपूर को दोस्तों हम जब जलाते हैं तो दोस्तों भाई धीरे धीरे करके दोस्तों हवा में उड़ने लग जाता है, अर्थात बाष्प में परिवर्तित होने लग जाता है। तो दोस्तों यही अर्थ है दोस्तों कि किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर, गर्म करे बिना, है ना, किसी ठोस पदार्थ को गर्म करे बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित करने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों कपूर को जब हम गर्म करते हैं दोस्तों, तो वह हम जब उसे गर्म करते हैं तो बिना ही द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए गैस में परिवर्तित हो जाता है, है ना। और जो द्रव होता है दोस्तों, द्रव से क्या बनती है, गैस बनती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऊर्ध्वपातन क्यों हो रहा है, सीधे ही ठोस से बिना द्रव में बदले गैस अवस्था में परिवर्तित हो जा रहा है। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? गलनांक को परिभाषित कीजिए। दोस्तों आपको गलनांक की शब्द की परिभाषा बताना है। तो देखिए दोस्तों उत्तर क्या है, गलनांक। गलनांक हम किसे कहते हैं?
बेहे स्थिर ताप है ना, गलनांक क्या है दोस्तों, एक स्थिर ताप है जिस पर गर्म करने पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उस ठोस का गलनांक कहलाता है। गलनांक दोस्तों एक प्रकार का क्या है, ताप है, जिस पर दोस्तों यदि हम किसी ठोस पदार्थ को गर्म करें तो वह क्या हो जाता है दोस्तों, सीधे ही द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस बात को दोस्तों याद रखना है। उदाहरण के दोस्तों आप ले लीजिए दोस्तों घी, घी जब दोस्तों ठोस अवस्था में होता है, जब दोस्तों हम उसे गर्म करते हैं तो वह क्या होता है दोस्तों, सीधे ही बदल जाता है, ठीक है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। या फिर दोस्तों जो बर्फ़ होती है, बर्फ क्या होता है दोस्तों, ठोस होती है, ठोस होती है ना, जब दोस्तों हम उसे गर्म करते हैं तो भी क्या होता है दोस्तों, पानी में बदल जाता है। पानी दोस्तों क्या होता है, द्रव होता है ना, अर्थात ठोस का द्रव में बदलना, ठोस का गर्म होने पर द्रव में बदलना गलनांक कहलाता है। गलनांक अर्थात दोस्तों गलन, गलन यानी गलना, या फिर दोस्तों द्रव में परिवर्तित होना। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न आठवां। प्रश्न आठवां है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, गलनांक एवं क्वथनांक में अंतर लिखिए, है ना। यहाँ पर दोस्तों आपको गलनांक और क्वथनांक में अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए दोस्तों हम देख लेते हैं गलनांक एवं क्वथनांक में अंतर, है ना। एक तरफ दोस्तों आप देंगे गलनांक, दूसरी तरफ लिखेंगे दोस्तों हम क्वथनांक। तो देखिए दोस्तों पहला अंतर क्या है, गलनांक एक प्रकार का क्या है दोस्तों, स्थिर ताप है। यह बेह स्थिर ताप है जिस पर पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, अर्थात दोस्तों क्या होता है, गलता है, है ना। गलनांक यानी गलना, मतलब कि गलनांक एक स्थिर ताप है जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाता है। और क्वथनांक क्या है दोस्तों, बेह अवस्था है जिस पर पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, है ना। जैसे दोस्तों हम पानी को यदि दोस्तों हम गर्म करें तो भी दोस्तों गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो दोस्तों है ना, द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है दोस्तों, क्वथनांक कहलाता है। दूसरा अंतर क्या है दोस्तों, गलनांक में अशुद्धि मिलाने से यह कम हो जाता है ना, इसकी मात्रा कम हो जाती है। और क्वथनांक दोस्तों यदि हम अशुद्धि मिलाएंगे तो दोस्तों इसकी मात्रा और अधिक बढ़ जाती है। तीसरा अंतर दोस्तों, दाब बढ़ाने पर जो गलनांक होता है वह घटता है, लेकिन दाब बढ़ाने पर जो क्वथनांक होता है वह घटता है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया हो गलनांक एवं क्वथनांक में अंतर। चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में अंतर लिखिए, है ना। तो देखिए दोस्तों पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, तीन अवस्थाएं होती है। पहली होती है ठोस, दूसरी होती है द्रव, तीसरी होती है गैस। तो दोस्तों हमें इनके गुणों में अंतर लिखना है। तो देखिए दोस्तों, है ना, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला अंतर क्या है, पहला अंतर क्या निकल के आता है, है ना। देखते हैं दोस्तों हम पहला अंतर क्या है कि जो ठोस होते हैं, ठोस में ठोसों का आकार क्या होता है, ठोसों का निश्चित आयतन व आकार होता है, है ना दोस्तों। ये पेन क्या है दोस्तों, एक ठोस है, है ना। इसका जो आयतन है ना, और जो आकार है, देखिए दोस्तों इसका आयतन और आकार एक निश्चित है ना। तो दोस्तों जो ठोस होते हैं उसका एक निश्चित आयतन और आकार होता है। द्रव जो होते हैं, द्रव का आयतन तो निश्चित होता है ना, कि मतलब उसमें कितना भार है वह तो निश्चित होता है, लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होता, है ना। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों यह क्या है, एक द्रव है। द्रव दोस्तों जब गिलास में रहता है तो वह गिलास का आकार ग्रहण कर लेता है, लेकिन जब दोस्तों हम उसे लोटे में डालते हैं तो दोस्तों उसका आकार जो है परिवर्तित हो जाता है, अर्थात जो द्रव होता है उसका आकार परिवर्तित होते रहता है। और गैस का तो दोस्तों ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है, हम उसे जिस अवस्था में परिवर्तित करना चाहते दोस्तों उस अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों दूसरा क्या है, ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता, लेकिन द्रव को भी संपीड़ित नहीं किया जा सकता, परंतु गैस को हम संपीड़ित कर सकते हैं। तीसरा अंतर क्या है, ठोसों का गलनांक तथा क्वथनांक कक्ष ताप से अधिक होता है ना। कक्ष ताप में दोस्तों ठोसों का गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं, द्रवों का गलनांक कक्ष ताप से कम तथा क्वथनांक कक्ष ताप से अधिक होता है। और जो ठोस है, ठोसों का गलनांक तथा क्वथनांक कक्ष ताप से अधिक ही होते है। अब दोस्तों हमारा जो लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस अध्याय का क्या है दोस्तों, हमें निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। कोई भी दोस्तों
आपका परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए दोस्तों आपको सभी को अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से याद कर लेना है ना। किस पर टिप्पणी लिखना है दोस्तों, हमें दृढ़ता पर, संपीडियता पर, तरलता पर, बर्तन में गैस का भरना पर, आकार पर, गतिज ऊर्जा और घनत्व पर दोस्तों हमें टिप्पणी लिखना है। तो देखिए दोस्तों हम देख लेते हैं, पहला है दोस्तों दृढ़ता है ना, ठोसों का वह गुण जो भारी बल के विरुद्ध उसके आकार को बनाए रखता है दृढ़ता कहलाता है ना। ठोसों का वह गुण, मान लीजिए दोस्तों ये क्या है, एक स्केल का दोस्तों ठोस है ठीक है, ये तो दोस्तों हम इस पर बल लगाएंगे तो दोस्तों जो ये है दोस्तों इसकी ठीक है इसके आकार को दोस्तों बनाए रखता है, हम इसे कितना भी मोड़ ले ठीक है एक सीमा तक, तो दोस्तों जो इसके अंदर दोस्तों जो शक्ति होती है ना वेग कहलाती है दोस्तों दृढ़ता है ना। यदि दोस्तों भारी बल के विरुद्ध उसके आकार को बनाए रखता है दोस्तों क्या कहलाता है दोस्तों दृढ़ता कहलाता है। अब संपीड़ित क्या होती है दोस्तों, गैसों एवं द्रवों के कणों के मध्य रिक्त स्थान को दाब के द्वारा घटाया जाता है, इस यह गुण संपीड़िता कहलाता है ना। गैस मान लीजिए दोस्तों ये क्या है, गैस गैस के मध्य कणों को दाब के द्वारा दोस्तों जब हम घटा देते हैं तो ये गुण क्या कहलाता है दोस्तों संपीड़िता कहलाता है ना। गैस और द्रव को के मध्य कणों को दोस्तों जब हम दाब के द्वारा घटा देते हैं, मध्य रिक्त स्थान को हम दाब के द्वारा घटा देते हैं दोस्तों, एक गुण क्या कहलाता है संपीड़िता है ना। मान लीजिए दोस्तों ये क्या है, गैस गैस के मध्य स्थान मध्य कण के रिक्त स्थान को जब हम दोस्तों दाब के द्वारा घटा देंगे तो दोस्तों क्या बचेगा, इतना बचेगा तो दोस्तों एक गुण क्या कहलाएगा दोस्तों संपीड़िता कहलाएगा। तीसरा दोस्तों तरलता, बहुत ईजी है, पदार्थों के बहने का गुण तरलता है ना, अर्थात जो पानी है वह बहता है तो दोस्तों पानी में जो बहने गुण होता है दोस्तों हम उसे तरलता कहते हैं, सिंपल। अब दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है दोस्तों, बर्तन में गैस का भरना है ना, अर्थात जब किसी घनी गैस को किसी खाली पात्र में डाला जाता है तब वह उस बर्तन के समूचे आयतन को घेर लेती है ना। जब भी दोस्तों हम देखना, यदि दोस्तों यदि आप गुब्बारे में गैस भरोगे तो दोस्तों गैस तो हमें दिखाई नहीं देती है ना, उसका आकार होता है, लेकिन दोस्तों जब हम गैस को गुब्बारे में भर देते हैं तो दोस्तों वह गुब्बारे के आकार को घेर कर लेती है, तो दोस्तों हम इसे क्या कहते हैं दोस्तों बर्तन में गैस का भरना। या फिर दोस्तों कोई खाली पात्र है जैसे कि लोटा है, लोटा में दोस्तों जब हम गैस को भरकर उसे बंद कर देंगे तो दोस्तों ये क्या कहलाएगा दोस्तों बर्तन में गैस का भरना कहलाएगा। आकार दोस्तों सिंपल, ये क्या है दोस्तों, ये पेन का आकार है, वो दोस्तों क्या है एक स्केल का आकार है ठीक है। तो आकार क्या होता है दोस्तों, किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आकार कहते हैं। घनत्व क्या दोस्तों, किसी वस्तु के इकाई आयतन का द्रव्यमान घनत्व कहलाता है ना। मान लीजिए दोस्तों ये क्या है, एक पेन है ठीक है, ये एक पेन है, ये क्या दोस्तों एक वस्तु है, ये फिर दोस्तों हम इसे ठोस भी कह सकते हैं ठीक है, ये क्या दोस्तों वस्तु है। मान लीजिए दोस्तों हम इसके तीन पार्ट डिवाइड कर देते हैं, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया और तीसरा पार्ट ये हो गया, तो दोस्तों जो इकाई आयतन होता है, इकाई आयतन या फिर इकाई आयतन मतलब कि दोस्तों पहले पार्ट में दोस्तों जब हम इसका द्रव्यमान नापते हैं ठीक है, इसका जो द्रव्यमान होता है इकाई आयतन का जो दोस्तों पहले भाग का दोस्तों जो द्रव्यमान होता है वह क्या कहलाता है दोस्तों घनत्व कहलाता है ना, अर्थात घनत्व बराबर से द्रव्यमान बटे आयतन। तो दोस्तों इस प्रकार दोस्तों हमने इस अध्याय का दोस्तों सारे पाठों को महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व कर लिया है, जो कि दोस्तों आपको परीक्षा में अवश्य पूछे जाएंगे, तो दोस्तों आप इन्हें अवश्य ही रूप से तैयार कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।